बसमिल फ्रेंड्स दिस इज़ मोहम्मद जहूर एंड टुडे वी विल स्टडी सेक्शन 26 साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर देखें अगर आप एक शख्स है वो इनकम फ्रॉम बिज़नेस अर्न कर रहा है और इस बिज़नेस के लिए अगर वो कोई साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर एक्सपेंडिचर करता है ख़र्चा करता है तो क्या इस खर्चे को उसको डिडक्शन अलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए डेफिनेटली अलाउ होना चाहिए देखते हैं इसको क्या कह रहा है सेक्शन अ पर्सन बी अलाउड अ डिडक्शन फॉर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन पाकिस्तान अब एक शख्स है जो कि साइंटिफिक रिसर्च पाकिस्तान के अंदर अंडरटेक करता है यानी कि रिसर्च करवाता है या करता है अब वो जो रिसर्च है पहली बात उसने पाकिस्तान में की है तो उसके ऊपर जो खर्चा करेगा उसके लिए उसे डिडक्शन अलाउ है इन अ टैक्स या उस टैक्स साल में लेकिन कंडीशन क्या चाहिए होली एंड एक्सक्लूसली फॉर द पर्पज ऑफ ड्राउविंग इनकम फ्राम बिजनेस चार्जेबल टू टैक्स अब उस रिसर्च का जो मकसद है वो कोई वेलफेयर नहीं है बल्कि या फिर जो है ना उसका कोई जो है ना शौकिया ख़र्चा उसने नहीं किया बल्कि उस वो जो ख़र्च उसने किया है वो होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज़ ऑफ बिजनेस है उस बिज़नेस के लिए जिससे वो इनकम अर्न कर रहा है यानी कि उस रिसर्च से उसकी बिजनेस इनकम आएगी तो उसके लिए उसको एक्सपेंडिचर अलाउ है इन दिस सेक्शन अब सब सेक्शन टू हम पढ़ रहे हैं साइंटिफिक रिसर्च मीन्स एनी एक्टिविटी अंडरटेकन इन पाकिस्तान इन द फील्ड आफ़ नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज अब सेंटिफिक रिसर्च का मतलब क्या होगा इसका मतलब ये है कि भाई कोई भी एक्टिविटी जो कि पाकिस्तान में अंडरटेक की गई या किसी किस्म की सरगर्मी जो है ना वो वजूद में लाई गई या उसमें आ, अमल में लाई गई जिसमें से वो क्या चाहिए वो नेचुरल फील्ड नेचुरल साइंस में भी हो सकती है और अप्लाइड साइंस में भी ये एक्टिविटी हो सकती है और इसका मकसद क्या चीज़ा है कि ह्यूमन नॉलेज को इम्प्रूव करना उसको डेवलप करना जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपके पास एक स्टील इंडस्ट्री है या फिर उस स्टील इंडस्ट्री ने एक रिसर्च कंडक्ट करवाई कि एक ऐसा स्टील जो है ना उसको इन्वेंट किया जाए या डेवलप किया जाए जिसकी वेदर के खिलाफ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो या फिर एक पेंट इंडस्ट्री है या जिस तरह आज कल फार्मास्यूटिकल की एक कंपनी है जिसने कोरोना के ख़िलाफ़ एक रिसर्च कंडक्ट कराई कि पहली बात है कि इसकी रीजंस क्या है और ऐसी क्या दवाई डेवलप की जाए जो कि कोरोना के मरीजों के लिए बेनिफिशियल होगी अब अगर ये दवाई ये जो कंपनी है खुद भी है फार्मास्यूटिकल कंपनी है इसने जो एक्सपेंस किया है इसका जो डिडक्शन होगा वो इसको अलाउ होगा साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर मीन्स एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड पर्सन ऑन द साइंटिफिक रिसर्च अंडरटेकन इन पाकिस्तान बात हुई है कि आपने साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का मतलब यह है कि आपने एक खर्चा किया वो साइंटिफिक रिसर्च पे किया और वो रिसर्च पाकिस्तान में की गई फॉर द दर्पज़ ऑफ़ डिवेलपिंग पर्सन बिजनेस और उस रिसर्च का मकसद क्या है कि आपका बिज़नेस डिवेल्प हो सके तरक्की कर सके उसमें इनोवेशन आ सके नई चीज़ें आ सकें तो इंक्लूडिंग एनी कंट्रीब्यूशन टू द साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन अब बाजू तो वो रिसर्च आप खुद कर सकते हैं या अपने से करवा सकते हैं या दूसरा तरीका ये है कि आप किसी साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन को ये रिसर्च हवाले कर दें कि भाई आप इस चीज़ में स्पेशलाइज हैं वो यूनिवर्सिटी हो सकती है या कोई और इंस्टीट्यूशन हो सकता है कि हमारे लिए आप रिसर्च करें रिसर्च फॉर द पर्पस ऑफ़ पर्सन बिजनेस और इसका मकसद क्या चीज़ है कि आपका बिज़नेस डिवेल्प हो सके अदर देन एक्सपेंडिचर इनकर्ड वो सब के लिए होगा लेकिन ये जो नीचे हेड्स दिए गए हैं इनमें अगर आपने खर्चा किया है तो फिर आपको अलाउ नहीं होगा यानी कि ये जो है साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का डिडक्शन अलाउ नहीं होगा इन एक्विजिशन ऑफ़ एनी डेप्रिशियेबल एसेट आर इनटेंजबल अगर आपने कोई डेप्रिशियबल एसेट मसलन कोई प्लांट वगैरह ख़रीदा रिसर्च का साइंटिफिक या कोई माइक्रोस्कोप या कोई और मशीन जो कि रिसर्च में आपको बेनिफिट दे सकती है कोई कंप्यूटर वगैरह या कोई इनटेंजबल तो अब इनटेंजिबल चीज़ अगर आपने खरीदी वजह यह है कि इनका अगर आपके पास डेप्रिशियेबल एसेट होगा तो उसकी डेप्रिसिएशन अलाव होगी उसके लिए आपके पास सेक्शन 22 है या इनटेंजबल हो तो उनके लिए एक अलहदा से सेक्शन अवेलेबल है उस हिसाब से आप एमोटाइजेशन कर लेंगे इन दी एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ख़रीदी है जिसको आप साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर का नाम दे रहे हैं तो भाई उस पर आपको कोई जो है इसमें जो है ना एक्सपेंडिचर के ऊपर डिडक्शन अलाउ नहीं है मिसाल के तौर पर आपने लेबार्ट्री खरीद रही लेबार्ट्री के लिए जगह खरीद ली बिल्डिंग ख़रीद ली तो ये चीज़ें जो है ना आपको इस पर डिडक्शन अलाउ नहीं है फॉर दर्पज़ ऑफ असर्टेनिंग द एग्जिस्टेंस लोकेशन एक्सटेंट और क्वालिटी ऑफ नेचुरल डिपॉज़िट अब मिसाल के तौर पर आप स्टील के बिजनेस में हैं आपका काम है कि एक और या मतलब आपकी सीमेंट फैक्ट्री है तो अब आपने जहाँ से वो मिनरल एक्सट्रैक्ट करना था वहाँ आपने एक रिसर्च कंडक्ट कराई कि यहाँ पहली बात है कि क्या ये जिप्सम या जो दूसरे मिनरल्स आपको ज़रूरत हैं यहाँ अवेलेबल भी हैं उनकी क्वांटिटी कितनी है कहाँ कहाँ अवेलेबल है और उनकी क्वालिटी क्वांटिटी ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर आपने इसके लिए कोई जो है ना रिसर्च की है तो इसके लिए आपको साइंटिफिक रिसर्च का जो एक्सपेंडिचर का जो डिडक्शन है वो अलाउ नहीं होगा वजह कि वो किसी और हेड में आपको अलाउ होते हैं क्योंकि ये तो आपका प्राइमरी बिजनेस का पार्ट है तो ये उसमें आ जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंसिस में आ जाएगा उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन मीन एन इंस्टीट्यूशन सर्टिफाइड बाई द बोर्ड एज कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च इन पाकिस्तान अब दूसरी देखिए दरमियान में हमने बात की थी कि अगर आप ख़ुद रिसर्च नहीं करते या अपने एम्प्लॉज से नहीं करवाते तो आप किसी इंस्टीट्यूशन से भी रिसर्च इंस्टीट्यूशन से भी अपनी रिसर्च करवा सकते हैं लेकिन कौन सा इदारा होगा जिसको हम रिसर्च इंस्टीट्यूट मानेंगे हो सकता है स्कूल हो या कॉलेज हो जिन्होंने अपना वैसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन रखा हुआ है जैसे पाकिस्तान में आपने देखा होगा कि नाम बड़े अजीब गरीब से रखे जाते हैं प्रैक्टिकली उनमें कुछ नहीं होता तो या फिर हो सकता है कि प्राइवेट फर्म हो उन्होंने अपने अपना आपको रिसर्च इंस्टीट्यूट डिक्लेयर किया हुआ है ऐसे नहीं होगा जिस इदारे को जिस इंस्टीट्यूशन को एफ़ बी आर यानी बोर्ड फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू मानेगी कि ये सर्टिफाइड है इस पर्पस के लिए साइंटिफिक रिसर्च इंस्टिट्यूशन के तौर पर अगर वहाँ से आप एक्सपेंस करेंगे तो यही समझाएगा कि आपने साइंटिफिक रिसर्च इंस्टिट्यूशन से आ, ये एक्सपेंडिचर किया है और उससे यानी कि आपने डेवलपमेंट करवाई है या रिसर्च की है तो फिर आपको एक्सपेंडिचर अलाउ होगा आज के लिए इतना काफ़ी है ये था सेक्शन 26 जो कि डील कर रहा था साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर के साथ और हम अगर देखते हैं तो अगला भी मेरे ख्याल में हम इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं एम्प्लॉज़ ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज एम्प्लॉइज ट्रेनिंग एंड फैसिलिटीज यहाँ इसमें सेक्शन ट्वेंटी है कि अगर एक फर्म है या एक बिजनेस है तो वो अपने बिजनेस के अंदर जो उसके एम्प्लॉज़ हैं उनकी कोई ट्रेनिंग करता है उनको कोई एजुकेशन देता है या उनको कोई फैसिलिटी देता है तो क्या इसके ऊपर जो ख़र्चा होगा उसके डिडक्शन से अलाउ होगी या नहीं होगी डेफिनेटली अलाउ होगी लेकिन किस तरीके से हम आगे पढ़ते हैं अ पर्सन शेल बी अलाउड फॉर अ डिडक्शन फॉर एनी एक्सपेंडिचर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अ टैक्स ईयर अगर एक शख्स है उसने कोई एक्सपेंडिचर किया अपने एम्प्लॉइज के ऊपर अदर देन कैपिटल एक्सपेंडिचर तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको पता है कि डेप्रिसिएशन उसके अलावा होती है तो फिर बाकी या मोटोटाइजेशन अलाउ होती है तो फिर उसके ऊपर जो खर्चा हुआ होगा उसके सिलसिले में वो डिडक्शन क्लेम कर सकता है एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और हॉस्पिटल इन पाकिस्तान इस्टेब्लिश फॉर द बेनिफिट ऑफ परसन एम्प्लॉज़ एंड देयर डिपेंडेंट आपने देखा होगा कि अक्सर जो अच्छे इंस्टीट्यूट होते हैं फैक्ट्रीज़ होती हैं मिल्स होती हैं या फिर बिजनेसज होते हैं वो अपने एम्प्लॉज़ के लिए कोई या उनके बच्चों के लिए कोई स्कूल बना लेते हैं या फिर वो हॉस्पिटल बना लेते हैं अब उसके ऊपर जो ख़र्चा होता है तो क्या उसके ऊपर जो भी खर्चा होगा तो वो इस सिलसिले में डिडक्शन क्लेम कर सकता है यानी कि आपने स्कूल बनाया या कॉलेज बनाया या कोई जो है ना मतलब एजुकेशनल इंस्ट्यूट बनाया या फिर आपने हॉस्पिटल बनाया जिसमें आपके एम्प्लॉज़ का जिससे बेनिफिट लेंगे या उनके डिपेंडेंट्स तो उसकी जो भी एक्सपेंडिचर होंगे वो आप डिडक्शन के तौर पर क्लेम कर सकते हैं बी एनी इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान इस्टेबलिशमेंट इस्टेब्लिश फॉर द ट्रेनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स रिकोगनाइज एडेड और रन बाई फेडरल गवर्नमेंट और प्रोवेंशल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट अब आपने एक इंस्टीट्यूट फॉर्म एनी इंस्टीट्यूट इन पाकिस्तान इस्टेब्लिश फॉर ट्रेनिंग अब अगर आपने जो है ना एक और यानी कि अपना तो कोई स्कूल कॉलेज नहीं बनाया लेकिन वो एक और इंस्टीट्यूट था जो कि गवर्नमेंट का हो सकता है लोकल फेडरल गवर्नमेंट का प्रोवेंशल गवर्नमेंट का लोकल गवर्नमेंट का हो सकता है वहाँ आपने कोई एक्सपेंडिचर किया ठीक है तो वहाँ जो एक्सपेंडिचर करते हैं तो तब भी आपको रिडक्शन अलाउ है द ट्रेनिंग ऑफ एनी पर्सन बींग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान इन कनेक्शन विद स्कीम अप्रूव बाई बोर्ड फॉर द दर्पज़ ऑफ दिस सेक्शन बाजू का ये होता है कि आप कोई और एक ट्रेनिंग स्कीम होती है जिसको फेडरल बोर्ड ऑफ रिवेन्यू ने अप्रूव किया होता है और उसका मकसद क्या होता है कि जो हैं उनको आप पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा सकें या उनकी ट्रेनिंग के एक्सपेंस बोर कर सकें तो उस पर आपका जो खर्चा होगा तो उसके ऊपर आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं मिसाल के तौर पर जिस तरह आज कल मख्तलिफ़नर की स्कीमें चल रही हैं मिसाल के तौर पर ट्रेलि ट्रेलिंग ट्रेलरिंग कोर्स हो सकते हैं प्लम्बर कोर्स हो सकते हैं इलेक्ट्रिशियन कोर्स हैं कंप्यूटर कोर्स हैं जो कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में हो रहे हैं अब वहाँ अगर किसी कैंडिडेट के ऊपर या वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर आप एक्सपेंस करते हैं तो फिर उसका एक्सपेंस आप क्लेम कर सकते हैं एज़ एन एक्सपेंस मिसाल के तौर पर अब चार स्टूडेंट्स जहाँ पढ़ रहे थे आपने उनकी फ़ीस पे की तो अब उसकी फ़ीस आप एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं आज के लिए इतना काफ़ी इन शल दोबारा मुलाकात होगी